रिसेंटली कल एक न्यूज़ आई थी कि जिस किसी ने भी फर्स्ट वैक्सीन ली है वो भी अभी ट्रेन ट्रैवल कर सकता है। सो आई थिंक इन्हें की लाइफ लाइन ट्रेन का ट्रैवल हर कोई कर सकता है। गुड न्यूज़ फॉर ऑल। एक नमस्ते सत श्री अकाल वालेकुम। माय नेम वसीम शेख एंड बैक टू माय चैनल फ्लैक्स रिएक्शन। तो गाइस आपके लिए मैं एक नया इंटरेस्टिंग ट्रेलर का रिव्यू लेके आया हूँ। ट्रेलर का नाम है धमाका। जस्ट ये कल ही नेटफ्लिक्स में लॉन्च हुआ है। जैसे कि इस मूवी रिलेटेड रोल में कार्तिक आर्यन एंड मुरारी ठाकुर। मुरारी ठाकुर के बारे में आप जानते ही हो, ये प्लेटफॉर्म से ऊपर आई हुई है और कार्तिक आर्यन को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हो। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये मूवी जो आने वाली है कार्तिक आर्यन के लाइफ के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिकॉज क्या है ना, जब जितने हम लोग ने कार्तिक आर्यन की जितने भी सारे मूवीज देखे हैं उसमें कार्तिक आर्यन ने सेम रोल किया है। जैसे कि प्यार का पंचनामा हो या रिसेंटली उनकी दो तीन मूवीज आई थी बीच में, वो हर मूवीज में उन्होंने सेम ही एक्टिंग किया ऐसा लगता है। जैसे लाइक अ कॉमेडियन उनको, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब पब्लिक के माइंडसेट में वो हो गया है कि बंदे उसे वही सीन के लिए लिया जाता है। भले ही वो मूवीज़ की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी या मूवीज़ का स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, इसलिए वो मूवीज हर एक मूवी बहुत हिट हो गई। बट नाउ रिसेंटली कार्तिक आर्यन को एक नए एक्शन में देखा सकता है या कुछ अलग रोल में उनको दिखाया जाने वाला है। सो ये धमाका एक कोरियन मूवी है, उसका रीमेक है। ये द कोरियन मूवी का नाम है द टेरर्स लाइफ, आई थिंक ऐसे ही कुछ है। मैंने वो मूवी भी देखी हुई है बट वो आई थिंक उसका ही इन लोगों ने एक रीमेक बनाया है। वैसे भी बॉलीवुड और में हर चीज़ का रीमेक बनाया जा रहा है, तो आई थिंक ये भी एक सही बात है। चलो कोई बात नहीं। सो इसमें आप करण को एक अलग ही रोल में देख सकते हैं। मैंने ये ट्रेलर तो देख लिया है, ट्रेलर तो मेरे को बहुत पसंद आया था। ट्रेलर का नाम धमाका है, तो ट्रेलर भी उस टाइप में ही था, धमाके टाइप में ही था, बट छोटा धमाका कह सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो चाहते हो तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। हम लोग शॉर्ट में एक छोटा सा ट्रेलर का एक प्रीव्यू कर लेते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स सी देखते हैं ट्रेलर कैसा है। और ट्रेलर का नाम है धमाका ऑफिशियल ट्रेलर। कार्तिक आर्यन, राम माधवीन एंड नेटफ्लिक्स। आज है संडे, टाइम 9:30। मैं हूँ अर्जुन पाठक, ओनली ऑन रेडियो भरोसा। हमारा नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग को आने वाले हैं। वापस 15 मिनट में फोन करेंगे आपको। ये मेरा एक्सक्लूसिव है, आप बस मुझे प्राइम टाइम की सीट वापस दे दो। तुम्हें तुम्हारी प्राइम टाइम की सीट मिल जाएगी। हम न्यूज रिपोर्ट नहीं करते, बेचते हैं। तुम बस हमारी रेटिंग्स ऊपर लाओ। मैं हूं अर्जुन पाठक और आप देख रहे हैं भरोसा 24/7। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आज मैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस टेरिस से बात करूंगा जिसने सीलिंग पर धमाका किया। रघुवीर जी आप क्या चाहते हैं? मिनिस्टर जयदेव पाटिल को फोन करिए। चलिए, हम बस उनसे एक सॉरी चाहते हैं। अगर वो नहीं आए तो सब मरेंगे। ब्रिज पे सौम्या जी आपकी पत्नी है ना? मैं हूँ सौम्या मेहरा पाठक। मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी। आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। डू यू लव मी? हम आपको 10 मिनट देंगे मंत्री जी को बुलाने के लिए। मंत्री जी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? उन्हें सिर्फ माफी तो मांगनी है, जनता की सेवा की। गॉड डैमिट, मैं तुम्हें अभी भी बचा सकती हूँ अगर तुम वो बोलोगी जो कंपनी चाहती है। अगर माफी नहीं मिली तो पूरा ब्रिज उड़ा दूंगा। पाठक जी, जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। Welcome to the show. ट्रेलर तो अच्छा ही था। जैसे कि मैंने आपको बताया आपने भी ट्रेलर, अगर आप ये ट्रेलर देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। सो मैंने एक कोरियन मूवी देखी थी, ठीक है, पर ट्रेलर तो बहुत अच्छा था। बट इसमें कार्तिक आर्यन एज अ रिपोर्टर दिखाया गया है, लेट्स सी देखते हैं। कुछ अलग रोल में दिख रहे हैं, मूवी बहुत अच्छी रहेगी। और उसमें दिया गया कि 29
19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे आने वाली, नेटफ्लिक्स इंडिया पे। सो गाइस 19 नवंबर को आप जाके मूवी देख सकते हो। और ट्रेनिंग 7 पे था, ट्रेनिंग 5 पे है। सो मतलब पब्लिक देख रही, लाइक मिल रहे हैं, तो मूवी भी बहुत अच्छी होगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आई होप आप सबको देखना चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए और आपको ऐसे एंटरटेनमेंट करने के लिए ऐसे बहुत सारे न्यू ट्रेलर पे आपको रिव्यू देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।